वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस एक्सेल में लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। साथ ही हम सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने कुछ वैल्यूज ली हैं। अब हमें यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू, सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू और थर्ड हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है। हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं लार्ज का। यहाँ से हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। कमा हमें फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू यानी कि हाईएस्ट वैल्यू अमंगस्ट ऑल, इन सब में से हमें हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ 1 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 90 हमारी इस पूरी सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू है। अब हम चाहते हैं सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करना, तो इज इक्वल्स टू का साइन यहाँ पे लार्ज टाइप करके पूरा रेंज सेलेक्ट करके कमा 2 टाइप करेंगे क्योंकि हमें सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं 90 के बाद 89 हमारे पास सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू है। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं थर्ड हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करना, तो वो भी हम यहाँ से टाइप करके सिमिलर रेंज सेलेक्ट करके कमा 3 टाइप करेंगे क्योंकि हमें थर्ड हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करना है। 88 थर्ड हाईएस्ट वैल्यू है। सबसे पहले 90, फिर 89, फिर 88। तो इस तरह से हम इसमें लार्ज का फॉर्मूला यूज करके हाईएस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड हाईएस्ट फाइंड कर सकते हैं, थर्ड हाईएस्ट फाइंड कर सकते हैं, सो ऑन। हमें पूरी सीरीज भी हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सम प्रोडक्ट। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक हमें कुछ प्रोडक्ट्स गिवन हैं, कितने सोल्ड आउट हो गए हैं वो हमें गिवन है, उनकी प्राइस गिवन है। अब हम या तो इनको इंडिविजुअली कैलकुलेट करके फिर इनका टोटल करें, बट वो बहुत एक हम टाइम वेस्टिंग अप्रोच ले लेंगे। इससे ज़्यादा सही है कि हम इजीली यहाँ पे एक सम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें जहाँ पे हमें प्रोडक्ट भी मिल जाए और सम भी मिल जाए। देखते हैं हम वो किस तरह से कर सकते हैं। हमें यहाँ पे टोटल सेल्स कैलकुलेट करना है। अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं सम प्रोडक्ट का। सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्ड आउट जो यूनिट्स हैं उनकी रेंज सेलेक्ट कर कमा जो प्राइस, जिस प्राइस में मैंने सेल आउट किया है वो सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके फाइनल एडिशन होके यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट फाइनली यहाँ पे आ चुका है। हमें सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, फिर उनको ऐड नहीं करना पड़ा। हमने यहाँ पे डायरेक्ट सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया। इसमें हमारा पहले प्रोडक्ट हुआ यूनिट्स का और प्राइस का, उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास यहाँ पे सम उनका कैलकुलेट होके आ गया है। तो इस तरह से हम इजीली बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम एडवांस एक्सेल में सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें आपको इजीली मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा और इसमें आपको एडिशन होके फाइनल सम निकाल के एग्जैक्ट जो आपका फाइनल आंसर है वो आपको मिल जाएगा। तो आज हमने एडवांस एक्सेल में लार्ज और सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला डिस्कस किया। लार्ज के फॉर्मूले के थ्रू हम कुछ भी सीरीज बना सकते हैं, हाईएस्ट वैल्यू हमारी पूरी सीरीज में से फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, कितनी भी वैल्यूज अगर हम चाहते हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। और सम प्रोडक्ट में हम इजिली बिना अपना टाइम वेस्ट किए एक एग्जैक्ट फाइनल अमाउंट हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।